नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ये जो वेंटिलेटर है वो वाकई COVID-19 पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है या फिर उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर एक आर्टिफिशियल मशीन है जिससे वैसे व्यक्ति को सांस लेने में हेल्प किया जाता है जिन्हें सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। COVID-19 में ये जो वायरस है ये इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कतें आने लगती है, तो ऐसे सिचुएशन में वेंटिलेटर ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है COVID-19 के पेशेंट्स के लिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये जो मशीन है इससे कुछ नुकसान पहुंच रहे हैं पेशेंट्स को? ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिल रहे हैं कि जो लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। नहीं तो वैसे लोग जो वेंटिलेटर पर जाकर सर्वाइव भी कर रहे हैं, बच भी गए हैं, तो उनमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम की वजह क्या है? वैसे लोग जो लोग जितनी ज़्यादा देर तक वेंटिलेटर पर रहते हैं उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया है। तो इसी डॉक्टर उदित चड्ढा कहते हैं, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के माउंट सिनाई हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वे कहते हैं कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हेल्थ केयर यूनिट्स के डॉक्टर्स ने क्या किया है, डॉक्टर्स ने COVID-19 के पेशेंट्स को अब वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना ज़्यादा प्रिफेयर नहीं कर रही है। डॉक्टर्स यह कोशिश कर रही है कि जितना कम हो सके पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाए। पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर तभी शिफ्ट किया जा रहा है जब बात उनके जीवन और मरने पर आ जा रही है। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि जब यह केस COVID-19 नया था हमारे लिए, तो उसमें क्या हुआ था कि उस समय पेशेंट्स को ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी, तो डॉक्टर्स ने पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना प्रीफर कर दिया। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि हमें उन्हें पहले ऑक्सीजन देना चाहिए। जो भी पेशेंट हाइपोक्सिया से डील कर रहा है, यानी और जिस भी पेशेंट्स को ऑक्सीजन डिफिशियंसी की प्रॉब्लम है, उन्हें सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्हें सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए। उन्हें सबसे पहले ऑक्सीजन देकर यह देखना चाहिए कि क्या इस ऑक्सीजन की सहायता से उनकी हेल्थ में कुछ सुधार आ रही है कि नहीं, उनका हेल्थ कुछ इम्प्रूव कर रहा है या नहीं। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि वेंटिलेटर का जो ऑप्शन है वह लास्ट ऑप्शन होना चाहिए डॉक्टर्स के लिए। पहले ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करके देखो कि क्या इससे मरीज ठीक हो पा रहा है या नहीं। ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिल रही हैं कि जो लोग वेंटिलेटर पर जाते हैं, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो वेंटिलेटर पर जाते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो आफ्टर ऑल ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर हसन कौली कहते हैं कि इस वायरस ने इंसान को इतना ज़्यादा सीक, इतना ज़्यादा कमज़ोर बना दिया है कि उसे सर्वाइव करने के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। यदि उसे वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं दी जा रही है तो उनकी मृत्यु हो जा रही है। डॉक्टर कौली कहते हैं कि लोग जो है वेंटिलेटर पर आकर मर रहे हैं, वेंटिलेटर उनकी मरने की वजह नहीं है, यानी कि वेंटिलेटर लोगों की मृत्यु का कारण नहीं है, लोग वेंटिलेटर पर आकर डेथ कर रहे हैं। हालांकि मैकेनिकल वेंटिलेटर से पेशेंट्स को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। देखिए इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस वेंटिलेशन के प्रोसेस में एक पाइप जो है इस व्यक्ति के गले के सहारे उसके बॉडी में पहुँचाया जाता है, और इसी पाइप के थ्रू इंसान को ऑक्सीजन दिया जाता है, और दूसरे पाइप के थ्रू इंसान के लंग्स से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो और अब इस पूरे वेंटिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स है, जो हमारा डायफ्राम है, और भी जो अदर मसल्स जो हमारे ब्रीदिंग में इन्वॉल्व रहता है, वह कमज़ोर हो जा रहा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा डॉक्टर चड्ढा कह रहे हैं। और ये जैसे ही इनका यह ऑर्गन कमज़ोर हो जा रहा है और जैसे ही पेशेंट्स को वेंटिलेटर से हटाया जा रहा है, तो पेशेंट्स में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, उनका ब्रीदिंग जो है वह कमज़ोर हो जा रहा है। डॉक्टर कॉली कहते हैं कि कुछ कुछ पेशेंट्स में लंग्स इंजरी भी देखने को मिल रही है। इस पूरे वेंटिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन बाहर से
बाहर से ऑक्सीजन इन पेशेंट के बॉडी में पहुंचाया जाता है। कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी को ज़रूरत है यह सारा चीज़ डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं पेशेंट्स की हेल्थ कंडीशन देखकर, उनके लंग्स की कंडीशन देखकर। यदि थोड़ी सी भी अमाउंट, अगर थोड़ा सा भी मात्रा ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि पेशेंट्स में लंग्स प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ बहुत से पेशेंट्स में डिप्रेशन का प्रॉब्लम और स्ट्रेस का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसलिए अब आईसीयू में भी डॉक्टर जो है ज़्यादातर यही कोशिश कर रहे हैं कि वे पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर तुरंत न शिफ्ट करें। हो सके उन्हें पहले ऑक्सीजन और अदर ब्रीदिंग डायलेटर्स देकर उनकी हेल्थ को सुधारा जा रहा है। इसलिए आईसीयू में भी जो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं अब यही कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को तुरंत वेंटिलेटर पर शिफ्ट नहीं किया जाए, उन्हें पहले ऑक्सीजन और भी ब्रीदिंग डायलेटर्स देकर उनकी हेल्थ को थोड़ा सुधारा जाए। डॉक्टर चड्डा कहते हैं कि वेंटिलेटर जो है एक मेडिसिन नहीं है, वेंटिलेटर इज नॉट अ ड्रग। वेंटिलेटर एक सपोर्ट है जो किसी भी मरीज को बाहर से ऑक्सीजन लेने के लिए सपोर्ट दिया जाता है। यदि किसी पेशेंट को हम वेंटिलेटर पर रख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं, हम उसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अगले दिन ही ठीक हो जाएगा। देखिए, न्यूयॉर्क सिटी के एक लॉयर है डेविड लैट, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। वे लिखते हैं कि जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो उनके उनके पिता जो एक फिजिशियन है, उन्होंने उन्हें वार्न किया था कि जितना हो सके वेंटिलेटर पर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वेंटिलेटर पर जब कोई चला जाता है तो उसके बाद वो वापस नहीं लौटता है। तो ऐसा लैट के साथ नहीं होता, लैट जो है जिंदा बचते हैं, लैट सरवाइव करते हैं। और उन्होंने वेंटिलेटर को धन्यवाद किया कि आज वेंटिलेटर की सहायता, वेंटिलेटर की मदद से ही वे आज जीवित हैं, हालांकि उनमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। लैट कहते कि मैं मैराथन का रनर था, मैं मैराथन प्लेयर हूँ, और आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं अपने रूम में भी ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, मैं सीढ़ियों पर भी चढ़ने लायक नहीं हूँ बिना किसी बाहरी ऑक्सीजन की सहायता से। तो देखिए, यह वायरस इतना ज़्यादा ड्रेडफुल है, इतना ज़्यादा इंसान के लिए हानिकारक है, क्योंकि पल भर में व्यक्ति की क्या से क्या स्थिति हो गई है। तो जितना हो सके इस वायरस से दूर रहें और अपने आप को सेफ रखें। लास्टली यही कंक्लूड किया जा सकता है कि वेंटिलेटर जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, पहले व्यक्ति को ऑक्सीजन दिया जाए, ऑक्सीजन देकर देखा जाए कि उनके हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। ऐसा नहीं है कि जो लोग वेंटिलेटर पर चले जाते हैं उनकी मृत्यु ही हो जाती है, बहुत से लोग वेंटिलेटर के जाने के बाद उससे ठीक भी हो रहे हैं। तो हमारे इस चैनल की ओर से आपसे यही अपील है कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, मास्क यूज़ करें और सेफ रहें।